अरे हरिया भैया, गजब जमाना आ गया भैया। एक टाइम था जब लड़की के माँ बाप लड़की की शादी कहीं भी कर देते थे और लड़की चुपचाप अपने शौहर के साथ चली जाती थी। लेकिन आज अपने इंजीनियर बाबू कितना पढ़े लिखे हैं और सरकारी नौकरी है। अब ऐसे भले आदमी को ये लड़कियां देखने आती हैं और देख के मना कर देती हैं। अरे भैया क्या बुराई है, लेकिन एक बात है भैया, जो भी लड़की उनके घर जाएगी ना, समझो सोने के चम्मच में खाना खाएगी। लड़की के साथ साथ लड़की के माँ बाप का गरीबी भी दूर हो जाएगा। पड़ोस में बात किए हैं, चाचा बोल रहे थे वो बगल वाले गांव में पंडित की लड़की है। प्रकाश भाई, हाँ जी सुन दीजिए, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ। What's wrong with you, Tania? What's wrong with me? तूने मुझे चीट कैसे किया? हाँ तानिया, वस्ते को चीट किया तूने? क्या बोल रही हो, दिमाग खराब हो गया क्या? पहले मुझे गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मर रहे थे और अब छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, यू चीटर। ये छोड़, छोड़। तानिया क्या कर रही है? She's not worth it. Mind your language, आशी। ये खत्म नहीं हुआ है अभी, ऋषि याद रखना। खत्म तो मैं करूंगा तुझे, मिस तानिया। बापू, कितना सुंदर घर है। जमींदार चाचा के घर से भी बहुत अच्छा है। अरे अंदर तो इससे भी बड़ा है। चल चल चल, अब थोड़ा हमारा भी ख्याल रखिएगा। आप समझ रहे हैं ना साहब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अरे ये देखिए, जसवंत और जूही भी आ गए। नमस्ते इंजीनियर साहब। साहब को नमस्ते करो। नमस्ते साहब, ये मेरी बेटी जूही है। बापू, मैं झूला छूने जा सकती हूँ? जाओ। चल साहब, जूही बहुत सुंदर है, बस ये समझ लीजिए आप 16 साल की जूही की कली है साहब। मैं उससे दोगुनी उम्र का हूँ, शादी से पीछे तो नहीं हटोगे साहब? मर्द की उम्र उसकी कमाई से होती और औरत की उसकी सुंदरता से। आपकी और जूही की बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी साहब, हम बहुत गरीब है साहब। जूही से शादी के बाद आप हमें संभाल लोगे ना साहब? चिंता मत करो, अच्छे से तैयारी करो और उसको कुछ नए कपड़े दिला देना। शादी कब की सोची साहब? ये देवउठनी एकादशी के बाद का अच्छा मुहूर्त। हाँ बढ़िया रहेगा। हाँ देख लो तुम लोग, और सुनो, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, एक पाई का भी टेंशन मत लेना, ठीक है? हाँ साहब, भगवान ने आपको हमारे दुख दूर करने के लिए भेजा है। बापू, इंजीनियर काका ने आपको पैसे क्यों दिए? क्या काका काका कर रही? इंजीनियर साहब बोलना। पर वो मुझसे बड़े, तो मैं तो काका ही कहूंगी ना। चुप, काका काका नहीं बोलना, इंजीनियर साहब बोलो। चल घनश्याम, तानिया घंटे भर से रोई जा रही है। हुआ क्या है? वही पुराना नाटक ऋषि का। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये 20 साल की लड़कियों को बॉयफ्रेंड की क्या जरूरत पड़ जाती है। निशा आजकल सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो ठीक है, कल को अगर कोई हादसा हो गया ना तो मुझसे मत कहिएगा। अभी अभी आप रिटायर हुए और आपका वो नया जॉब, वो भी कितना हाई प्रोफाइल वाला, आपको पता है ना? डिफेंस मिनिस्ट्री से कंफर्मेशन आ चुका है। तो बस देख लीजिएगा कहीं आपकी लाडली आपका सर न झुका दे। हेलो बेटा। क्या हुआ बेटा,
अपने पापा को नहीं बताओगी? ऋषि ने मुझे चीट किया है, और जब मैं उससे कन्फ्रंट करने गई तो उसने कहा कि आई एम स्नोबिश, चाइल्डिश। अगर चाइल्डिश ही थी तो ब्रेकअप कर लेता ना, चीट करने की क्या जरूरत थी। तानिया बेटा, उसके पास तुम्हारी कोई फोटो वोटो या कोई वीडियोस तो नहीं है ना? नहीं मामा, आई नो माई लिमिट्स, और इसीलिए तो वो मुझे बोरिंग कहता है। अभी देखता हूँ उसे। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके आपके क्लीन करियर में कोई भी दाग लगे। वो मेरा एक्स है, ही इज माई पास्ट नाउ। अरे कैसे पापा, तू अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो? क्या बोल रही है तू? मैं अपनी बेटी का सौदा करूंगा? अरे शादी तय की है मैंने। तू 16 की थी जब तेरी शादी नहीं हुई थी क्या? हाँ थी, लेकिन तू मुझसे 2 साल बड़े थे, 20 साल नहीं। निकाबा, कल हम दोनों सबको लेके मरने का सोच रहे थे, अरे आज भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। इंजीनियर साहब बहुत अच्छे इंसान है, वो सरकारी आदमी है, ईमानदार है, और हमारा भी ख्याल रखेंगे। अरे बाप उसका मैं, उसका गलत सोचूंगा क्या? पर अच्छा भी नहीं सोच रहे हो तुम। दीदी की शादी मत करो ना, मत करो ना शादी। बापू, मुझे नहीं जाना अंदर। अरे बेटा, इंजीनियर साहब ने तुझे घर का काम दिखाने के लिए बुलाया है, अब तेरे हिसाब से घर बनेगा, जा बेटा जा। बापू मुझे नहीं जाना। बेटा जिद मत कर, जा। नमस्ते सर। बोलते क्यों नहीं? जीजी, पैसों की सारी डील वही करता है, इसलिए हमें सुननी पड़ती है, और अगर कुछ कहा तो मरने मारने पर उतारू हो जाता है। सर, बॉडी 15-16 साल की बच्ची की है, बॉडी पे इंजुरी सब एक्सीडेंट्स वाले हैं। सर लगता है कि इतन का बॉन्डेज के निशान है, लगता है किसी ने बांध के रखा था। सर एक बात और, इसके तलवे बुरी तरह छिले हुए हैं। हाँ, और दौड़ते दौड़ते किसी हैवी व्हीकल ने डैश कर दिया। वो देखो, ये ड्रिंक एंड ड्राइव वाले इसीलिए मुझे बहुत खराब लगते हैं। अरे ड्रिंक करने के बाद ऑटो या टैक्सी से घर चले जाओ, पर नहीं, सबको जेम्स बॉन्ड बनना है। और देखो नतीजा शर्मा, इस रास्ते पर जितनी भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो। नहीं सर, कोई आइडेंटिटी नहीं मिली सर। उसके पास तुम्हारी कोई फोटो वोटो या कोई वीडियोस तो नहीं है ना? नहीं मामा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके क्लीन करियर में कोई भी दाग लगे। या ऑफिसर, मुझे मेरी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करनी है। आपके बारे में कमिश्नर साहब का मुझे फोन आ गया है, हम तुरंत कार्रवाई शुरू करेंगे, आप डिटेल्स दीजिए। जी, या वन मोर थिंग, कल मेरी बेटी उसकी बेस्ट फ्रेंड आशी की पार्टी में गई थी, यही महिपालपुर में पार्टी थी, इसलिए मैंने आपके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना उचित समझा। सर आपकी बेटी का नाम क्या है? तानिया। हाँ, तानिया और आशी, दोनों के फोटो, टेलीफोन नंबर और पूरी डिटेल्स दीजिए। शर्मा डिटेल्स ले लो, सर्कुलेट करो। सर मुझे तानिया के बॉयफ्रेंड ऋषि पर शक है। सर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को हम जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सर। सर एक्चुअली पार्टी कुणाल की थी। yes, बट सारी अरेंजमेंट्स तानिया ने की थी। पार्टी में एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर हम सब डांस कर रहे थे। व्हाट आर यू सेइंग? क्या हुआ है? क्या हुआ है? माय पासपोर्ट इज फ्लैग्ड, और ये सब तेरे बाप ने किया है। एक्सक्यूज मी, मेरे डैड बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर है। ऑनेस्ट? तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे ड्रिंक एंड ड्राइव और ड्रग केस की वजह से फ्लैग हुआ है। कर्म, यू सी नो, आई विल शो यू कर्म। सिक्योरिटी, मेरा मूड ऑफ हो गया है। I want to go home. Tanya. Tanya party से कितने बजे निकली?
अराउंड 12:45 आई गेस। और वो ऋषि, वो भी उसके पीछे पीछे गया था? सर ही वॉज ड्रंक। तानिया से उसकी काफी देर तक बहस होती रही और तानिया के जाने के बाद हम लोगों से काफी देर तक बहस करता रहा। सर उसके बाद हम लोगों ने धक्के मारकर उसको बंगलो से बाहर निकाल दिया। फिर वो कहाँ गया, क्या किया सर, नो आइडिया सर। क्या चल रहा है, क्या मैटर है विकास? साहब ये मार्केट में दंगा कर रहे थे, नहीं माने तो यहाँ लेके आए, लेकिन यहाँ भी शुरू हो गए। क्या प्रॉब्लम, क्या है, क्यों लड़ रहे हो? चलो देखिए इंस्पेक्टर, इसकी एक लड़की है, इसने उसका रिश्ता मेरे साथ तय किया है, पूरे 5,000 रुपए नगद लिए इसने मुझसे। अभी मैं बोलता हूँ लड़की किधर है तो कहता आज इधर है, कल उधर है, परसों किधर है, मेरी होने वाली बीवी से नहीं मिलने देता मुझे। किधर है तेरी बेटी? सच में नहीं मालूम, 4 दिन पहले इनके साथ ही गई थी साहब, फिर पता नहीं इन्होंने क्या किया उसके साथ, वो शादी के नाम से डरने लग गए, शायद भाग गई होगी, बच्ची तो है सर। बच्ची? उम्र क्या है तेरी बेटी की? उम्र क्या है? 16 साल की बच्ची की शादी तय कर दी, वो भी इसके साथ, साला दोनों को अंदर डाल दे। दोनों को क्यों? फ्रॉड तो उसने किया सर, मैंने पैसे भी दिए और वैसे भी मुझे कोई लड़कियों की कमी है क्या? इंजीनियर है ना तू, पढ़ा लिखा आदमी है ना, एक तो 16 साल की लड़की के साथ शादी करता और बोलता मैंने क्या किया, बड़ा दूध का धुला तू। विकास FIR रजिस्टर लेकर आओ, सबसे पहले तेरी FIR करूंगा, जब अंदर तेरी ठुकाई होगी ना तो पता चलेगा तूने क्या किया और क्या नहीं। देखिए सर, मुझे कोई FIR वगैरह नहीं लिखवानी है, इसको तो मैं देख लूंगा अच्छे से। और तू, तूने अपनी बेटी को एक बार बेचा है, दोबारा भी बेच सकता है। चल काका, काकी बताई आपको पुलिस लेके गई है? कौन है ये? साहब मैं इनका दूर का रिश्तेदार हूँ, पाथोली में ही रहता हूँ साहब। पर हुआ क्या साहब? ये तानिया इतने गुस्से में किससे बात कर रही है? शर्मा इस ऋषि को उठाओ और तानिया की CDR रिपोर्ट निकालो, पता करो कि ये इतने गुस्से में किससे बात कर रही है। शांता ये देख उस लड़की का पर्स। तो देख ये लिपस्टिक तो मेरी महंगी वाली साड़ी से भी महंगा होगा। इस बार बड़ी मुर्गी हाथ में लगी है। एक मिनट सर, सर आई वांट टू कॉल माय लॉयर। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मुझे अंदाजा नहीं हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बता तानिया के साथ क्या किया था, बोल, वरना ना तो तेरा लॉयर आएगा और ना तू बाहर जाएगा। सर उसकी वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ, मेरा बस चलता उसको अपने हाथों से मार देता सर मैं। हाथों से मारता? सर तानिया के CDR रिपोर्ट्स आ गई। प्रदीप जब तक इसका नशा ना उतरे इसकी मरम्मत करते रहो। जी सर। सर आप लोग ऐसे नहीं कर सकते सर। आप लोग ऐसे सर तानिया के फोन से आखिरी कॉल उसके कैब ड्राइवर को किया गया, उसे हमने ट्रेस कर लिया है, एक टीम भेजी है इसे उठाने के लिए। उसके अलावा उसके कॉल रिकॉर्ड्स में कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है। उसका फोन रात 1 बजे स्विच ऑफ हुआ था जो अब तक ऑन नहीं हुआ है, नंबर को फ्लैग कर दिया। अरे तानिया गई तो गई कहाँ? सर जिस बच्ची की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई थी उसकी PM रिपोर्ट। तानिया के केस के चक्कर में इस बच्ची को तो भूल ही गए। क्या हुआ सर? बच्ची की बॉडी पर कई लोगों के सीमेन सैंपल मिले हैं, पूरी बॉडी पर मारपीट के निशान हैं, वो भी 4-5 दिन पुराने, और हाथों और पैरों पर जो बॉन्डेज के निशान थे मतलब उसे कई दिनों तक बांध कर रखा गया होगा। ये लग रहा है कि एक्सीडेंट है, पर ये मर्डर भी हो सकता है। सर ये भी मुमकिन है कि जब ये लड़की उन लोगों से बच के भाग रही तब उसका एक्सीडेंट हुआ। अब यह एक्सीडेंट है या मर्डर, इसका रीजन तो एक ही है, इसके रेपिस्ट, इस बच्ची को इंसाफ तो दिलाना ही होगा। इतना ही रोना आ रहा है फिर अपनी बेटी को बेचा क्यों? कहने के लाले पड़े थे साहब, मैंने इंजीनियर से अपनी बेटी की शादी तय की थी, अच्छा सोच के किया था साहब, अच्छा सोच के। देख जो सच है वो बता दे वरना अपनी बेटी से हाथ धो बैठेगा। साहब नदी में रह के मगरमच्छ से बैन नहीं करते, वैसे गांव में रहकर भी जमींदार से हम बैन नहीं कर सकते थे साहब। जमींदार? देख जसवंत तुझे अपनी जुबान देता हूँ तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे सच सच बताना पड़ेगा, उसे कुछ मत छुपाना। साहब जमींदार को जब पता चला कि
इंजीनियर ने मुझे जूही के लिए पैसे दिए हैं, तो वो भी दबाव बनाने लगे। ए जसवंत, तेरे से कुछ बात करनी थी। साहब मैं जल्द से जल्द आपका कर्जा चुका दूंगा सर। अरे कर्जे की बात नहीं है, उसकी फिक्र मत कर। तेरी बेटी जूही बहुत सुंदर है, उस इंजीनियर ने जितनी कीमत दी है ना, उसकी दुगनी दूंगा मैं। मैंने उसकी कोई कीमत नहीं लगाई, मैंने तो रिश्ता तय किया साहब। गरीब की बेटी की शादी और उसकी कीमत एक ही बात है, और फिर तो गांव के जमींदार को मना तो नहीं करेगा ना तू? जसवंत तूने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था सर, कहीं जमींदार का नाम लेके मैं मेरे परिवार को खतरे में नहीं डालूं। अच्छा जूही गायब कब हुई थी? 12 सितंबर की रात तक तो घर पे थी साहब, सुबह देखा तो पता नहीं कहाँ चली गई थी। 12 की शाम जूही बहुत गुस्से में आई थी साहब घर। क्या हुआ बेटा? क्यों पैदा किया था मुझे? पैसे लेने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए। आज इंजीनियर ने और जमानदार ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं बता रही हूँ, अगर मेरी शादी तुम लोगों ने जबरदस्ती करवाई तो मैं मर जाऊंगी। मैंने सोचा था कि अपने परिवार को लेकर शहर चला जाऊंगा, गांव में रहकर जमींदार से लड़ तो सकता नहीं था, तो अगले दिन मैं शहर जाके बंदोबस्त करने वाला भी था, लेकिन जूही गायब हो गई। मैंने किसी को भी नहीं बताया, वरना वो जमींदार को लगता कि मैंने जूही को छुपा दिया। मुझे लगा कि बच्ची है, कहीं चली गई होगी रिश्तेदार के पास। मैं वो पूछ ही रहा था सबसे कि पता नहीं क्यों ये इंजीनियर साहब को रोज जूही से मिलना होता था, जिसकी वजह से वो जमींदार को पता चल जाता। गरीबी कभी कभी एक ऐसा अभिशाप बन जाती है कि इंसान ये जानते हुए भी कि ये गलत है, उस गलत को करने पर मजबूर हो जाता है, और जसवंत की भी यही कहानी लग रही थी। एक तरफ जूही थी शायद जिसे गरीबी की वजह से बेचा गया था, और वहीं दूसरी तरफ तान्या थी जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके साथ भी उतना ही घिनौना काम हुआ था। इन दोनों ही परिस्थितियों में लड़कियां मर्दों की हवस का शिकार हुई थी, लेकिन पथौली पुलिस को ये नहीं पता था कि जिस जूही की वो तलाश कर रहे थे वो जूही अब इस दुनिया में है ही नहीं। सर वो कैब ड्राइवर जिससे जूही की लास्ट बात हुई थी उसका पता नहीं चल पाया। कैब कंपनी ने कहा कि उस रात उसने वो राइड तो कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसी एरिया में मौजूद था, पर उसके बाद उसने ऐप छोड़ दिया, ये रीजन देके कि उसे गांव जाना है, उसकी माँ बीमार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तानिया को देखकर इस कैब ड्राइवर की नीयत खराब हो गई हो और उसने राइड कैंसिल करके इसका किडनैप कर लिया हो? शर्मा एक काम करो, कैब कंपनी से इस ड्राइवर की पूरी डिटेल्स मंगाओ और आधार कार्ड से इसके गांव का एड्रेस पता करो। जी सर। संभाल के देखो, संभाल के देखो, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, मेरा नाम मत लेना प्लीज। मेरा ना इन लोगों से कोई वास्ता है ही नहीं मेरा, सच्ची मैं ना बसिलों का ड्राइवर हूँ। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ ना उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, सच कह रहा हूँ। और वैसे भी तुमने देखा ना, बहुत खतरनाक लोग हैं ये लोग, मेरा नाम मत लेना प्लीज। चलो चलो इससे पहले कोई देख ले। चलो सर ये देखिए ये गाड़ी। सर ताने के गायब होने के टाइम पर ये गाड़ी उसी रोड पर थी सर, ना उसके बाद कोई गाड़ी यहाँ से निकली और ना ही तानिया वहाँ से बाहर आई। सर चांसेस है कि तानिया इसी गाड़ी में हो। इस गाड़ी की डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ को भेज दो, पता करो गाड़ी किसकी। ओके सर। देखो मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना वादा याद रखना, पुलिस के पास मत जाना प्लीज। थैंक यू। वो ऋषि तो रात को ज्यादा कुछ बता नहीं पाया क्योंकि वो नशे में था, और वो कैब ड्राइवर वो भी गायब है। एक्चुअली हमारा शक उसी कैब ड्राइवर पर है। और एक बात शर्मा, जरा वो व्हीकल की फोटो दिखाओ। ये देखिए ये लाल एसयूवी रात में उस रोड पे से उसी वक्त गुजरी थी, वहां की सीसीटीवी में कैप्चर हुई। आप लोग इस गाड़ी को पहचानते हैं? तानिया
बेटा कहाँ थी आप पूरी रात? तानिया बताना क्या हुआ? सर आई वेंट टू अनदर पार्टी और मैंने शराब पी ली थी सर, मुझे कुछ याद नहीं है। तानिया तुम तो ड्रिंक करती नहीं। पापा वो कल गुस्से में मैंने थोड़ा। बेटा आपके शरीर पर काफी खरोंचे वगैरह हैं, कैसे लगी है चोट आपको? सर मैंने बताया ना मैंने बहुत शराब पी ली थी ना, तो सर मैं गिर गई। बेटा कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को तुम्हें किसी ने मोलेस्ट वगैरह करने की कोशिश? बट सर नो, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मामा मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। कर्नल तानिया के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, वो बहुत डर गई है इसलिए सच नहीं बता पा रही है। आई थिंक इसका मेडिकल कराना सही रहेगा, आप इसे कन्विंस कीजिए ना प्लीज। सर तानिया के साथ बहुत ब्रूटल रेप हुआ है सर, वो टेस्ट कराने के लिए भी तैयार नहीं थी, अभी कुछ सेडेटिव दिया है उसे कंट्रोल में करने के लिए। श्वेता सारे सीमन सैंपल ऋषि और पार्टी में आए हर लड़के के साथ मैच करो। जी सर। कर्नल तानिया को जैसे ही होश आए प्लीज कॉल अस। सर सर उस लड़की की फोटो हर जगह सर्कुलेट किया, उनके गैंग में भी उसे कोई नहीं पहचानता सर, लगता है शहर में नहीं। और हाँ सर उस रात वो उसी रोड पे दौड़ रही थी जहाँ पे तानिया थी। I'm so sorry. तो सर एक सेकंड ना फुटेज देखिए। तानिया करीब एक बजे गायब हुई, ये देखिए सर सिग्नल के पास वाले सीसीटीवी कैमरा में ये लड़की 12:45 के आसपास कैप्चर हुई है, ये रोड एक ही तरफ जाती है। मतलब हो सकता है कि तानिया और ये लड़की दोनों ने एक दूसरे को देखा हो, पर तानिया तो कुछ बताने की कंडीशन में नहीं है। पर हाँ सर उस लड़की के गले में जो लॉकेट मिला वो आगरा के पथोली गांव के देवी मंदिर का। सर मैं काम करो ये पथोली गांव के पुलिस स्टेशन में पता करो किसी ने इस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई है क्या, अगर नहीं भी कराई है तो भी पथोली में पता करो। सर अरे दरोगा साहब आप भी किसकी बातों में आ रहे हो, उस भिकमंगे जसवंत की वो कुछ भी बोलेगा और आप मान लेंगे। तो आपने जसवंत से उसकी बेटी जूही के बारे में कोई बात नहीं की थी? बिल्कुल की थी, जब हमें पता चला कि वो अपने 16 साल की बेटी की शादी कर रहा है तो हमने डांट लगाई थी, हमने उससे कहा था कि हम उसकी बेटी की शादी नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे गाँव में बाल विवाह मना है, बस इसीलिए वो हमें फंसा रहा है। फंसा रहा है? वो 11,000 जो जसवंत की बेटी के लिए दिए थे उसका क्या? हाँ दिए थे, बिल्कुल दिए थे, वो पैसे हमने इसलिए दिए थे ताकि उसे मजबूरी में अपनी बेटी की शादी ना करनी पड़े। विकास सर इस जमींदार और वो इंजीनियर इन सबकी डिटेल्स निकालो, देखो कि 12 और 13 सितंबर को ये दोनों कहाँ थे, और वो जसवंत उसकी भी डिटेल्स चेक करो। ये सब ने शराफत का चूल्हा उड़ रखा है लेकिन मुझे पक्का पता है कि ये सब के सब कमीन है। शर्मा उस रात जो कुछ भी हुआ है वो 12:45 से 1 बजे के बीच में हुआ है। सर मैंने बलिया के एसएचओ से बात की है सर, वो कैब ड्राइवर की माँ सच में बीमार थी सर, मैंने पर्सनली बलिया स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करी है और वो बलिया में ही था। इसका मतलब इस कैब ड्राइवर ने तानिया का रेप नहीं किया, तो फिर इस तानिया के साथ उस रात हुआ क्या था? सर तानिया की फ्रेंड नेहा आई है, वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। मुझे पहले लगा कि तानिया अकेली रहना चाहती इसलिए गायब हो गई है, लेकिन अब पता चला कि उसका रेप हुआ है, अंकल ने बताया मुझे। सर मुझे लगता है जरूर कुणाल ने किया है। कुणाल जिसने वो पार्टी थ्रो की थी जो आशी का सीनियर है? हाँ सर कुणाल तो तानिया को कॉलेज टाइम से ही लाइक करता था सर, उस रात ही ट्राइड टू फोर्स हिमसेल्फ ऑन हर। श्वेता जी सर कुणाल की पूरी डिटेल ले लो। जी सर चलिए।
यस कर्नल। अच्छा तानिया को होश आ गया, हम अभी आते हैं। मैंने आप लोगों से कहा ना मेरा रेप नहीं हुआ है, समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? लेकिन तानिया तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि यू आर रेप। वो रेप नहीं था, रफ सेक्स था मेरे फ्रेंड के साथ। तानिया कौन सा फ्रेंड? पापा वो बैड वन नाइट स्टैंड था। ऋषि से लड़ाई के बाद मैं उससे रास्ते में मिली, उसके बाद वो यूएसए चला गया, मैं घर आ गई। शर्मा जब उस लड़की का फोटो दिखा, उस रात इस लड़की को तुमने वहां देखा था? नहीं। ध्यान से देखो। मैंने कहा ना आपसे, नहीं देखा मैंने इसे। कर्नल मेरे ख्याल से तानिया काफी डर गई है, उसे ज्यादा प्रेशराइज करना ठीक नहीं होगा। वैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेंगे, आप इसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, शायद उसके बाद वो कुछ बता सके। थैंक यू। पापा मुझे माफ कर दो, मैं सच नहीं बता सकती, मैं आपकी इज्जत को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती पापा। सब उस रात पार्टी में आए सभी लड़कों के सीमन सैंपल लैब भेज दिए टेस्ट करने के लिए। वेरी गुड। और वो बच्ची जिसका एक्सीडेंट हुआ था उस केस में क्या प्रोग्रेस है? सर मैं चेक कर रहा हूँ। सर उस बच्ची का नाम जूही था, वो पटोली गांव से गायब हुई थी, उसे वहीं पे आखिरी बार 12 सितंबर की रात को देखा गया था। पटोली चलने की तैयारी करो। एक तरफ जमींदार ने जसवंत से बिल्कुल विपरीत कहानी बताई कि वो खुद इस शादी को रोकना चाहता था, वहीं तान्या थी जो इज्जत शर्म और माधव के प्रति इंसानियत के नाते से अपनी कहानी नहीं बता रही थी। सोचने वाली बात यह है कि क्या तान्या सही कर रही थी? माना कि वो अपने पिता की रेपुटेशन बचा रही थी और माधव की भी फिक्र उसे थी, पर याद रखिए अपराधियों के सच को छुपाकर आप उन्हें अपराध करने का हौसला देते हैं। मुन्ना जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए तान्या का सच बोलना बहुत जरूरी था। तुमने अपनी बेटी को दो बार यहां बेचा, एक बार दिल्ली में बेच दिया, अब रोने से क्या फायदा? मैं तो ये सोच रहा कि जो ही अकेले दिल्ली गई कैसे? सर ये जमींदार है इंजीनियर, मुझे लगता है इन दोनों में से ही कोई एक। एक मिनट। हेलो सर, पार्टी में ऋषि कुनाल या किसी भी लड़के का सीमन मैच नहीं हुआ है। अच्छा, उस गाड़ी का पता चला जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है? जी सर, वो गाड़ी का नंबर फेक था। ओ। एक बात और सर, जब गाड़ी से जूही का एक्सीडेंट हुआ है वो नशे में धुत था सर, उसका जूही से कोई लेना देना नहीं है। एक काम करो, ट्रैफिक पुलिस के टच में रहो और पता करो कि उस रात वो गाड़ी किसी और ने भी देखी थी क्या। जी सर। तोमर एक बार इस जूही की फैमिली से मिला था? ठीक है सर। जूही मेरी बच्ची। देखिए माफ कीजिए लेकिन हमें पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी, आप बता सकती हैं कि जूही के पास उसका कोई मोबाइल था या दिल्ली में वो किसी को जानती थी? बेटा आपको कुछ पता है? सब मेरी ही गलती थी, मैंने ही दीदी से कहा था कि वो भाग जाए और वो मेरे वजह से ही मर गई। अच्छा ठीक से बताओ बेटा क्या हुआ था उसे? जिस दिन दीदी इंजीनियर काका के घर गई थी वहाँ उनके साथ बहुत गंदी हरकत की। अरे वाह बड़ी सुंदर लग रही है आज तो। रुक, रुक, रुक। जमींदार काका ने भी वही किया, आते जाते उनको छेड़ते रहते थे और दीदी बहुत डर गई थी। अरे जूही अचल गाड़ी में बैठ, तुझे घर छोड़ देता हूँ। अरे आजा सोच क्या रही है, लकड़ी पीछे रख दे। पर मैंने दीदी से कहा कि दिल्ली की ट्रेन पकड़ के चली जा, वहाँ बहुत काम मिलते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाता है ना, फिर थोड़े दिन में मैं भी आ जाऊंगी तेरे। तान्या ये महिपालपुर के कुछ गुंडे बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर्स,
गौर से देखो, इनमें से किसी ने तुम्हारे साथ रेप को? मैंने आपसे कहा ना, मेरा कोई रेप नहीं हुआ। ठीक है, एक बार गौर से देख तो लो। आई थिंक शी इज नॉट रेडी यट, शी हैज टू गो नाउ। तोमर, तुमने ये इंजीनियर और जमींदार दोनों का सीडीआर तो चेक किए होंगे, उनसे कुछ पता चलता है? हाँ सर, उनकी रिपोर्ट्स तो चेक की थी, लेकिन कोई खास इन्फॉर्मेशन सामने नहीं आई है। जमींदार की फैमिली का कहना है कि वो घर पर ही था, और इंजीनियर के नौकर का कहना है कि उसने घर का दरवाजा लॉक किया था। इनफैक्ट अगली सुबह उसने इंजीनियर को नींद से उठाया था। सर, क्या ऐसा तो नहीं कि जूही सच में शादी के डर से घर से भागी और दिल्ली के किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग ने उसे उठा लिया? पॉसिबल तो है। वैसे हमने आगरा बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया था, लेकिन जूही कहीं नजर नहीं आ रही। इस गाड़ी को कभी यहाँ देखा है? हाँ साहब, ये गाड़ी को मैंने इस बंगले के अंदर खड़ी हुई देखा है। अच्छा, तो कभी इस लड़की को देखा है क्या? लड़की को तो नहीं देखा साहब, पर यहाँ शांता आती थी। शांता कौन? वो यहाँ साफ सफाई करने आती थी, पर बहुत दिनों से वो भी नहीं दिखी साहब। छोड़ो इसे। सर, ये घर थोड़ा ज्यादा ही साफ सुथरा नहीं लग रहा? लगता है सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। शर्मा, सारे घर की अच्छे से तलाशी लो, हो सकता है तान्या के साथ रेप यहीं हुआ हो। सर, ये देखिए। ध्रुवी, ये तो जूही की बहन का नाम है। तो मतलब तान्या का तो कंफर्म नहीं कह सकते, जूही यहाँ जरूर। शर्मा, इस बंगले की केयर टेकर शांता को ढूंढो, और हो ना हो इस कांड में उसके साथ कई और लोग भी शामिल होंगे। आसपास के लोगों से पूछताछ करके उनके स्केच बनवाओ और सर्कुलेट करो, और अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। क्विक। जी सर। शर्मा, ये जूही और तान्या दोनों की बॉडी पे जो सीमेंट्स मिले हैं, दोनों को मैच कराओ। सर, इन दोनों में कोई कनेक्शन मिला है क्या? कनेक्शन ये है कि दोनों लड़कियां वारदात की रात एक ही जगह पर थीं। I'm so sorry. सीमेंट्स मैच कराओ। सर। सर, मैंने आपसे कहा ना, मैंने इसे नहीं देखा है। बेटा, इस बच्ची की मौत उसी रात हुई थी जिस रात तुम किडनैप हुई थी। तीन लोगों ने चार दिनों तक इस बच्ची के साथ रेप किया है। प्लीज बेटा, कुछ भी याद हो तो बता दो। हाँ सर, एक लड़की को मैंने देखा था, लेकिन सर आई डिडंट सी हर फेस प्रॉपरली। आई एम सो सॉरी, पर उसकी ड्रेस यही थी। अच्छा, इस बच्ची के पीछे तुमने किसी लाल एसयूवी को देखा था? नहीं सर। शर्मा, जरा वो स्केचेस दिखाओ। तानिया, ध्यान से देखो, क्या इनमें से किसी को भी तुम पहचानती हो? सर, इसी ने मेरा रेप किया था सर। सर, इसने मुझे बहुत टॉर्चर किया है सर। जूही की बॉडी पे तीन सीमेंट सैंपल मिले हैं। आई एम श्योर सर, एक इस ड्राइवर से जरूर मैच करेगा।
उन चारों स्केचेस को ना पथोली पुलिस स्टेशन पे जाओ, हो सकता है वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर ये तो महिपाल लग रहा है, प्रकाश का भाई, वही जो बाल काटता है। महिपाल का है? हाँ वो तो अंदर है, लेकिन क्या हुआ रेलवे स्टेशन से बच्चों को उठाते थे और अलग अलग जगह पर भेजते थे साहब। जगह पर जूही को भी बस स्टेशन से उठाया था, उठाया था ना जूही को? नहीं साहब, जूही को हमने नहीं उठाया, उसके परिवार वालों ने खुद डील किया मेरे से सामने से। मेरी तहसील में नौकरी लगी थी, 50,000 पर रिश्वत देना था, मेरे पास पैसे नहीं थे साहब। महिपाल दिल्ली में काम करता था तो मुझे लगा इसके पास पैसे होंगे, पर पैसे मांगे तो इसने भी मना कर दिया साहब। पर इसको एक रास्ता बता दिया साहब। अरे क्या क्या रास्ता बता दिया? रास्ता नहीं बताया साहब, वो क्या है कि हमारे गैंग में ना बच्चों के 75,000 से 1,00,000 रुपये मिल जाते हैं, मैंने सोचा कि इसका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा। जूही को कैसे उठाया? सब जूही ने सब कुछ पहले ही बता दिया था मुझे। भैया ध्रुवी बोलती है मुझे भाग जाना चाहिए। सही तो बोल रही है। सुन मैं जैसा कहता ना हूँ वैसा कर, पर ये बात किसी को बताना मत, ध्रुवी को भी नहीं। मैं ना आज रात को तुझे दिल्ली भेज देता हूँ, ठीक है? तब जूही को मैंने बोला था जब घर पे सब कुछ हो जाए तो चुपचाप से बाहर निकल कर हाईवे पर मिलना मुझे, और मैंने ये भी कहा था साहब कि दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, वहाँ रह लेना, मैं जल्दी आऊँगा। मेरी दिल्ली में थोड़ी पहचान थी ट्रांसपोर्ट में, तो मैंने एक कैब बुक कर दी, वो उसमें दिल्ली आ गई साहब। और उसके बाद उसके साथ 4 दिन तक रेप करते रहे? नहीं साहब, नहीं, हम लोग रेप नहीं करते थे साहब, वो मुन्ना करता था। उसके बाद वो भाग गई? जी साहब। इसको भी अभी मरना था, सारा मूड खराब कर दिया। चल गाड़ी घुमा। जब हम वापस आ रहे थे रास्ते में तो मुन्ना को तानिया दिख गई और उसने उसको उठाने के लिए कहा साहब। पर सर उस दिन जब मैंने तानिया का पर्स देखा तो मैं डर गया, कहीं पकड़े गए तो सीधा एनकाउंटर हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको जाने दिया सर। शर्मा इन दोनों से उन सब कमीनों के एड्रेस लो और सबको उठाओ। सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। ये एक ऐसा क्राइम है जो रोज हमारे आसपास होता है, लेकिन जब तक ये हमारे साथ नहीं होता हम इसके बारे में जागरूक नहीं होते, सोचते तक नहीं। अपने आसपास अगर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत पुलिस के पास जाएं, उसकी रिपोर्ट करें, शायद आपकी सतर्कता से किसी की जान बच जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।